सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे डबल AWM मैक्रो का, जो कि हमारे गूगल प्ले बीटा में होने वाला है। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी मुझे इतना अच्छा मैक्रो तो नहीं मिला। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड में गेम प्ले देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से आप आपकी AWM को चला पाओगे। इस वीडियो में आपको दो चीज़ बताने वाले, एक AWM का मैक्रो होगा या फिर मैं कहूँ इसको टिप्स एंड ट्रिक्स भी कह सकते हो। आप तो इसको मैक्रो की तरह यूज़ करना चाहते हो तो मैक्रो तक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आइडिया मेरे को नया आया था, ये आइडिया मेरे एक सब्सक्राइबर्स को आया था, तो वही आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो ये हमारा सब्सक्राइबर था वो इंडियन सर्वर से नहीं था, पाकिस्तान सर्वर से था। कुछ इनका नाम था आवासीस भाई के कुछ नाम था, भाई मेरे को अच्छे से नाम नहीं आता, लेकिन इनका नाम आवासीस था। तो इनको भी हमारी तरफ से थैंक यू। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का आइडिया या फिर कुछ मिले तो आप हमारे इसमें कमेंट में आप कर सकते हो, हम आपका आइडिया को टैग करेंगे, उसको हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे उसका बनाकर। और आपका आप आइडिया और ओपिनियन हमें आप हमारे डिस्कॉर्ड पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, जैसा कि आवासीस भाई ने हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। और अगर आपको हमारा वीडियो या कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे कंटेंट को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में यार, प्लीज सब्सक्राइब। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसका दोनों ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको नॉर्मल तरीके से कैसे यूज करना है, और अगर आप चाहो मैक्रो लगा के यानी कि आप एक ही बटन से पूरा मैक्रो यूज करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन अगर आप गूगल प्ले बीटा में न्यू हो तो आप हमारी बिगिनर टू एडवांस वाली जो ब्लू स्टैक्स की भी है और गूगल प्ले बीटा के ऊपर एक प्ले लिस्ट बन रखी है, तो आप एक बार वो प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। उसमें हमने आपके जरूरतमंद के सारे वीडियो डाल रखे, जिसमें आपको फ्री फायर पीसी में पहले दिन से लेकर जब तक आप अच्छे से खेलना ना सीख जाओ तब तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप सिंगल AWM नो रीलोड चलाना चाहते हो तो उसका मैक्रो वाला तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। सिंगल AWM नो रीलोड मैक्रो बहुत मस्त वाला मैक्रो है, उसको जरूर एक बार चेक कर लेना। आप मेरे वीडियो को जैसे ही चेक करोगे आप मेरा चैनल, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो एक बार आप मेरे चैनल को भी जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है हमारा AWM, ठीक है। तो AWM में दो AWM यहाँ पे लेके आया, और देखो मैं कितनी जल्दी इसको स्विच कर रहा हूँ। तो देखो मैंने दो अलग अलग कलर की AWM ले लिया ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी जो AWM है इसको निकालता हूँ, मैं फायर करता हूँ, ठीक है। AWM निकालने के बाद मैं जैसे फायर करता हूँ मैं स्क्रॉल बटन से इसको स्विच कर लेता हूँ, स्क्रॉल बटन को अप करता हूँ, फिर फायर करता हूँ, फिर उसके बाद डाउन करता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल बटन को आपको अप ही नहीं कर जाना है, आपको ये स्टेप समझना है, स्टेप वाइज, ठीक है। सबसे पहले आपकी AWM से फायर करो, फिर उसके बाद आपका स्क्रॉल बटन अप साइड करो, फिर फायर करो, फिर आपका स्क्रॉल बटन डाउन साइड करो। और ये मेथड भी तब फॉलो होगी जब आप पहले नंबर की AWM निकालो। जैसे मेरे इसमें पहले नंबर पे येलो वाली मतलब रेड वाली AWM और सेकंड नंबर पहले नंबर पे येलो वाली AWM और सेकंड नंबर पे रेड वाली, तो मैं पहले नंबर वाली AWM को निकालूंगा और मैं इससे फायर करूंगा, फिर दूसरे नंबर वाली के मैं रिलोड करूंगा, मतलब रिलोड नहीं सॉरी चेंज करूंगा मैं अपने स्क्रॉल से, ठीक है। फिर मैं उसके बाद वापस से मैं करूंगा ना चेंज, तो मैं स्क्रॉल बटन को डाउन साइड पे करूंगा। हमारा स्क्रॉल बटन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि हम एक बार फायर करके उसको स्क्रॉल बटन को अप साइड पे करते हैं तो हमारी AWM यानी कि सेकंड नंबर की गन निकलती है, और फिर से हम अगर उसको अप साइड करेंगे तो वो हमारा फिस्ट निकल जाएगा हाथ में। इसलिए एक बार आपको जिधर भी साइड में आप घुमाओ उसके विपरीत साइड में घुमाना है, ठीक है। मान लीजिए आपने पहली बार में अपने ऊपर साइड की तरफ आपका माउस का स्क्रॉल को घुमाया है जिससे आपकी गन चेंज हुई, तो दूसरी बार जब आप फायर करने के बाद करोगे ना तो आपको नीचे की तरफ उसको स्क्रॉल बटन को चेंज करना पड़ेगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखना, इसमें ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं आपको मैक्रो बताने वाला हूँ, देखो वो मैक्रो कैसे यूज करना है, मेरा तो मैक्रो वो काम नहीं किया था, लेकिन अगर आपका काम कर जाता जैसे कि आवासीस भाई ने हमको बताया था, तो उनका मैक्रो काम कर रहा था, मैंने उनका वीडियो देखा था, वो वीडियो बनाकर भेजा था उन्होंने, तो उन्होंने जो मैक्रो यूज किया था वो कुछ इस प्रकार से यूज किया था। अब ये उन्हीं के द्वारा स्क्रीनशॉट भेजा गया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने माउस बटन लेफ्ट माउस बटन जिससे हम फायर करते हैं उसको रखा, फिर उसके बाद यहाँ पर डिले दिया, एक सेकंड का डिले दिया यानी 100 ms का डिले दिया, फिर उसके बाद इन्होंने जो माउस व्हील का रखता है उसको अप साइड में किया, ठीक है, डाउन नहीं अप साइड में उसको किया, उसको स्क्रॉल किया, और उसके बाद डाउन वापस से उन्होंने 100 ms का डिले दिया। इससे क्या होता, वो जैसे ही फायर करते थे उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती थी गन, क्योंकि हमने जो उसका मैक्रो लगाया उसमें हमने मतलब हमारा ये यूज़ कर रहे हैं, हम स्क्रॉल बटन यूज़ कर रहे हैं, तो हम जैसे फायर करेंगे स्क्रॉल बटन से हमारा गन स्विच हो जाएगा। उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है उनको इसने 0-0 करके रखा है। देखो एक्स और वाई की जो पोजीशन रहती है जो हमारे माउस बटन के अंदर हमको देखने को मिलती है, तो उनको इन्होंने 0 किया ताकि जिससे हमारा जो पॉइंट रहे वो एग्जैक्ट उसी जगह पर रहे। तो ये सेटिंग आप दोनों, मैंने स्क्रीनशॉट बताया, आप इन दोनों स्क्रीनशॉट को चेक कर लेना एक बार, और इनके हिसाब से आपका मैक्रो भी सेट कर लेना। आपको क्या करना है, सिंपल में आपको फायर करना है, फिर आपके स्क्रॉल बटन से आपको गन चेंज करनी है, फिर से फायर करना है, फिर स्क्रॉल बटन से आपको गन चेंज करनी है, बस इतना सा सिंपल सा फंडा है। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।